हरियाणा के गोरक्षा दल ने पुलिस की मदद से बुलंदशहर में गोवंश को से भरा ट्रक पकड़ा। सैकड़ों किलोमीटर गो तस्करों का पीछा करने के बाद पकड़ा गया गोवंशों से भरा ट्रक। गोरक्षकों के मुताबिक तस्कर कर रहे थे गोवंशों को हरियाणा के मेवात में पहुंचाने की तैयारी। हरियाणा से पीछा कर रहे गोरक्षकों ने हिंदू जागरण मंच की सिकंदराबाद यूनिट से किया था संपर्क। गोरक्षा दल, बुलंदशहर, हिंदू जागरण मंच और पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा गोवंश भरा ट्रक। ट्रक से करीब 1.5 दर्जन गोवंश बरामद, गौशाला में पहुंचा गए बरामद होने वाले गोवंश। एक तस्कर मौके से गिरफ्तार। सिकंदराबाद के पुराना खुर्जा रोड पर पकड़ा गया ट्रक। भैया, सिकंदराबाद के गांव बुटेना में आप मौजूद हैं, क्या मामला है? मैं मोनू मानेसर, बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हूं। आज हमें सूचना मिली थी कि ये मेवात में जाएगा गोवंश भरकर। सूचना सही मान, हमने यहाँ के संगठन हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया, फिर यहाँ के पुलिस प्रशासन से मिलकर ये गोवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है, जिसमें आरोपी भी मौके पर पकड़ा गया है। आप कौन, कितने लोग वहाँ से चले थे? हम वहाँ से 6 से 7 लोग थे। कब से इनका पीछा कर रहे हैं? हम करीब 7 बजे से इनका पीछा कर रहे हैं। सिकंदराबाद में कैसे पकड़ा आपने इन्हें? क्या सिकंदराबाद में हमने पहले हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद उन्होंने प्रशासन से संपर्क किया, प्रशासन के साथ मिलकर ये ट्रक पकड़ा गया। कितने गोवंश हैं लगभग इसमें? करीब इसमें 17 से 18 गोवंश हैं। आपकी टीम में कौन कौन लोग मौजूद हैं वहाँ से? हमारी टीम में शैलेंद्र हिंदू पलवर है, अंकुल हिंदू बलेनी है, बोलू ढाणा है और दीप ढाका है। सिकंदराबाद में जागरण मंच से किससे संपर्क किया आपने? गगन जी से संपर्क किया। थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा एक ट्रक ड्राइवर हुसैनी को पकड़ा गया है, जिसके पास से ट्रक में 15 गोवंश बरामद हुए हैं, उसमें से 12 बैल हैं और 3 गाय हैं। इसके द्वारा बताया गया कि संगरूर जिला पंजाब से इन बैलों को ला रहा था और एक ड्राइवर, इसका गाड़ी जो है, गाड़ी का मालिक दिलसाद है, उसी ने इन बैलों को खरीद करके गाड़ी में लगवाया था, ये बिहार लेके जा रहा था। इसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम बल पर कार्रवाई कराई जा रही है। जो गोवंश मिले हैं उनको गौशाला में रखवाया।